दोस्तों कल की मूवी की इतनी बड़ी हाइप और क्रेज को देखने के बाद जो है वो फराह खान का काफ़ी शानदार रिएक्शन सामने आया है। फराह खान ने बोला है कि कल की मूवी की रिलीज डेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है, लेकिन उससे पहले इतनी ज़्यादा हाइप जो कि देखने को मिल रही है, इतनी ज़्यादा क्रेज़, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग, इतनी ज़्यादा पागलपन मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखी जितनी जो कि यहाँ पर प्रभास अन्ना के लिए फैंस उतावले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जब से सल्लार मूवी का थोड़ा बहुत क्रेज डाउन हुआ है तब से जो कि यहाँ पर भाई कल्कि ने जो कि यहाँ पर प्रॉपर टॉप ऑन द बोर्ड रहती हुई देखने को मिल रही है, क्रेज के मामले में हो या फिर अपडेट्स के मामले में हो, कल्कि जो है वो यहाँ पर सबसे आगे देखने को मिल रही है। कल्कि मूवी की जो हाइप है उसका अगर हम यहाँ पर अंदाजा लगाएं तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, यहाँ पर अमेरिका और पूरे ओवरसीज के अंदर जो हाइप है, जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है। मूवी को जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर जो कि डबिंग किया जा रहा है और भाई साहब मूवी को जो कि फुल ऑन वर्ल्ड वाइड जो 9th of May जो कि रिलीज किया जाएगा और 8 May को जो कि इंडिया के अंदर रिलीज किया जाने वाला है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आप माइंड सेट कर लें कि भाई साहब प्रभास अन्ना इस बार जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स कायम कर ही दिखाएंगे, रिकॉर्ड्स की सुनामी आ जाएगी जब यहाँ पर जो कि कल्कि मूवी रिलीज होती हुई देखने को मिलेगी। पब्लिक जो है वो यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार करती हुई देखने को मिल रही है कल्कि का। अब मैं आपको बताऊँ कल्कि के अंदर सिर्फ एक जो कि प्रभास अन्ना नहीं है, कल्कि के अंदर जो कि यहाँ पर टीम कास्ट जो काफी ज्यादा बेहतरीन है जिसके अंदर जो कि यहाँ पर कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पट्टानी, विजय देवरकोंडा और भाई साहब SS राजा मौली का कैमियो एज ए वेद व्यास होने वाला है। और वहीं उसी के साथ जो कि यहाँ पर हमको प्रभास अन्ना एज ए हमारे श्री विष्णु भगवान के अवतार श्री कल्कि भगवान के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई मतलब कि यहाँ पर ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, एक नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट करती हुई आती हुई देखने को मिल रही है। और साउथ की मूवी है तो यहाँ पर जो कि हमारे हिंदुइज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा आगे रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मूवी की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा है। कल्कि भगवान के अवतार के ऊपर जो मूवी बनने वाली कल्कि वो यहाँ पर नो डाउट बहुत ही बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। यहाँ पर मूवी के मेकर्स का ये मानना है कि ये जो मूवी है वो यहाँ पर भाई साहब मार्वल और DC के मूवीज के आवार बराबर जाती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एवेंजर्स की जो भाई साहब इन्फिनिटी वार का जो क्लाइमैक्स सीन था उसी टाइप का जो क्लाइमैक्स सीन कल्कि के अंदर होने वाला है, जो कि यहाँ पर कल्कि पार्ट 2 को जो कि एक साथ जोड़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कि बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर इस मूवी के अंदर मिलने वाले हैं। तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े सीन होने वाले हैं, मूवी जो कि एक नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट लेवल हाइप के साथ आने वाली है। जो है वो नाग अश्विन ने ठान लिया है कि इस बार सिनेमास को जो है वो यहाँ पर एक अलग रंग देना है, एक अलग जो कि डायरेक्शन पाथ देना है। अब देखते हैं क्या सीन करते हैं, कल्कि कितने लेवल तक जाती है, किस लेवल के VFX आते हैं, किस लेवल की शूटिंग आती हुई देखने को मिलती है, ये सब देखना बाकी है। वैसे छोटी सी वीडियो थी कल्कि के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन यहाँ पर प्रभास अन्ना जो कि बहुत बड़ी तबाही बचाने वाले ये भी कंफर्म है। वैसे आपको क्या लगता है कि भाई साहब प्रभास अन्ना बाहुबली के बाद कल्कि अवतार के अंदर कैसे दिखने वाले हैं, कल्कि यूनिवर्स हमको कैसा देने वाले हैं, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर कल्कि मूवी के बारे में, प्रभास अन्ना के बारे में, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप यहाँ पर प्रभास अन्ना की और ज़्यादा अपडेट्स के बारे में या फिर कल्कि मूवी के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पर हर एक जो अपडेट है वो आपको एग्जैक्ट सबसे पहले और सबकी रिपोर्ट्स आपको ला कर देंगे। तो भाई साहब चैनल के ऊपर नए हो, प्रभास अन्ना के फैंस, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में प्रभास अन्ना लिखकर जो है वो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।